आगे कुछ भी नहीं दिख रहा है, ये देख ही सकते होंगे आप। और वहां ये ट्रैक में मुझे याद रहेगा, क्योंकि हर एक नए ट्रैक में कुछ नया सा एडवेंचर है। तो चलो चलते हैं। हैवी रेनफॉल है, सच में बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल है। पता नहीं यहाँ पे लोग आए थे तो उधर बैठे थे वो उस कोठे में, तो ये सारे निकल गए। बहुत सारे यहाँ पे आए आज ट्राई करने के लिए बारिश में, बट मज़ा बहुत ज़्यादा आ रहा है। सुबह से बहुत ज़्यादा बारिश थी जब घर से निकले थे। मुझे लगता है जब हम वापस चले जाएंगे मैक्सिमम ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा पड़ रही है यहाँ पे। ये देखो भैया एक मिला है। अस्सलाम वालेकुम। बढ़िया ओके भाई। आगे कुछ भी नहीं दिख रहा है, ये देख ही सकते होंगे आप। और वहाँ से भी लोग चल रहे हैं, वापस आ रहे हैं, क्योंकि बारिश बहुत बहुत ज़्यादा तेज़ पड़ रही है। सोचा नहीं था इतनी बारिश होगी, क्योंकि जब भी जहाँ से हमने ट्रैक स्टार्ट किया था वहाँ पे अच्छी धूप थी, बट फिर जब आगे पहुँचे, शायद संगम पहुँचे थे, और उसके बाद बारिश बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो गई है, हो रही है अभी भी है, और मेरे सारे कपड़े गीले हो गए हैं। हेल स्टार्ट हो गई है, और जिसको हम कश्मीर में बोलते हैं धुआं, और वो भी बहुत ज़ोर से पड़ रहा है, और हम सबसे पहले यहाँ बैठे हैं हम। यहाँ जाएंगे हम, चलो। देखो गाइस द ब्यूटी ऑफ कंगवटन, और हम पहुँच गए हैं कंगवटन, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, और यहाँ पे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है यहाँ पे जहाँ हम ठहरे हैं। फाइनली गाइज हम कंगवटन पहुँचे, और ये जो आप मेरे पीछे शर्ट देख रहे हो ये एग्रीकल्चर ऑफिस है, और यहाँ पे एग्रीकल्चर के एम्प्लॉयज़ भी है। तो अब हम उन्होंने बोला कि यहीं पे बैठो, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा पड़ गई है, रुकने का नाम नहीं ले रही है। तो हम सबसे पहले कुछ खाएँगे, और खाने के बाद थोड़ा रेस्ट करेंगे, और रेस्ट करने के बाद हम फिर वापस घर की तरफ चलेंगे। बट सबसे पहले कुछ खाएंगे, क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लग गई है, और इतना मज़ा आ रहा है ना। ये मेरा बेस्ट ट्रैक है जितने भी मैंने ट्रैक किए, ये मुझे लग रहा है कि सबसे बेस्ट ट्रैक ये वाला है, कंगवटन वाला। क्योंकि घर से निकले थे, सुबह रेन बहुत ज़्यादा पड़ रही थी, मूड ख़राब हो गया था कि नहीं जा सकते, फिर भी हम निकले। और फिर जब हम कुलगाम पहुँचे तो कुलगाम से बारिश नहीं थी, और फिर उसके बाद हम अहरबल पहुँचे, अहरबल से थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही थी, और जहाँ से हमने फिर ट्रैक स्टार्ट किया और संगम तक बारिश नहीं, कुछ भी नहीं थी, धूप बहुत अच्छी थी, और संगम से यहाँ तक बारिश पड़ गया, और उस बारिश ने बहुत ज़्यादा मज़ा दिलाया हमें इस ट्रैक में। तो फाइनली ये ट्रैक मेरे लिए बहुत ज़्यादा मज़ेदार रहा, और आपने भी इस ट्रैक में बहुत एंजॉय किया होगा। तो चलो पहले कुछ खाएँगे। गाइस जिन्होंने हमारे लिए सेपरेट रूम साफ़ किया है, यहाँ पर बोला कि आप यहाँ पर खाओ आराम से, और जो भी बातें करनी होगी, और यहाँ से खिड़की का व्यू दिखाऊँगा मैं। ये देखो गाइस फिलहाल के लिए बात स्टॉप हो गई है, थोड़ी बहुत पड़ रही है बट ठीक है अभी। क्या फिर तो गाइस खाना भी हमने खाया, और हमने बिरयानी भी साथ लाई थी, मार्केट से ली थी वो अहरबल में, और घर से फिरनी भी लाई थी। और अब जब सब कुछ खाया, और अब अच्छी धूप निकली है, मेरे को बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, कपड़े सारे गीले हैं। धूप रहनी चाहिए क्योंकि गर्मी यार हो जाती है। ये देखो मैंने इनसे खांगड़ी भी ली, क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। इस टाइम का व्यू, और इससे पहले बारिश पड़ रही है, अब नहीं है। बहुत मेहनत कर रहे हैं आग जलाने में, बट आग नहीं जल रही है। आओ खुद ये करने आओ। तो क्या
تلا کتھ وچھ ژے کھڑ او او چرسی آبس چرسی آبس وچھ یم کھڑ अब हम चल रहे हैं घर की तरफ। इस टाइम बारिश नहीं पड़ रही है, धूप अच्छी है, मेरे कपड़े भी सूख गए, बट जो मेरा जैकेट था वो बहुत गीला है, उसको मैंने बैग में डाला है, रेनकोट लगाया मैंने क्योंकि ठंड लग रही है बहुत ज़्यादा। तो चलो चलते हैं अब। फाइनली गाइस, जिस जगह से हमने ट्रैक स्टार्ट किया था और जहाँ पर हमने गाड़ी पार्क की थी, फाइनली हम वापस उसी जगह पहुँचे।